ये देखिए, हम फिटिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो प्लेटिंग फिटिंग है। ये बस बार है, बस बार खोल के दिखाओ। ये 63 एम्पीयर का बस बार है और लाइट फिटिंग चल रही है। मटेरियल पड़ा है और ये 2.5 mm का वायर है, ये 2.5 है, ये 4 mm है एंड ये वाली वाटर लाइन है, सर्किट लाइन है। ये मेन 10 एम्पीयर की 100 एम्पीयर की लाइन है। ये इसकी बस बार है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और ये फिल्टर है, ये टैंक्स हैं, ये टैंक्स हैं। ये 300 एम्पीयर का रेक्टिफायर है जो एक क्लीनिंग सेक्शन टैंक, दूसरा क्लीनिंग सेक्शन टैंक, ये माइनस के लिए है, माइनस क्लीनिंग, ये प्लस क्लीनिंग। इसके बाद ये वॉशिंग टैंक है, ये 3 वॉशिंग टैंक हैं। इसके बाद ये होल्डिंग टैंक है, ये फिर 3 वॉशिंग टैंक है, इसके लिए ये होल्डिंग टैंक है। ये 300 एम्पीयर का फिर एक रेक्टिफायर है जो डिमर से चलता है, वेरिएक्स है। ये क्रोम प्लेटिंग के लिए है, क्रोम का ये 2.5 by 2.5 by 2.5 का सेक्शन वो है, क्रोम टैंक। एक ये 100 एम्पीयर का रेक्टिफायर, ये 2.5 by 2.5 by 2.5 का क्रोम टैंक, फिर एक बस बार ये है, बस बार का फोटो नहीं आ रहा। ये 10 square mm का वायर डाला हुआ है, ये एक ब्लैक कलर का अर्थ का तार है। ये क्रोम प्लेटिंग के लिए टैंक है, ये वाटर लाइन आ रही है, ये RO वाटर लाइन है, ये इसके लिए एक बोर्ड उतरेगा। ये ब्लॉक्स हैं वुड के, लकड़ी के, जैसे कि ये लगाया हुआ है, एक बस बार ये लगाया हुआ है। ये एक रेक्टिफायर है 1000 एम्पीयर का 20 वोल्ट, ये एक रेक्टिफायर है, ये इस टैंक के लिए है। ये निकल का टैंक है, निकल का टैंक है और ये आपका बस बार चल रही है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। ये वाला रेक्टिफायर ये रहा 100 एम्पीयर का, हटो हटो हटो। ये प्लांट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, ओके।